अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जमात पंचम स्कॉलरशिप इम्तिहान के वीडियो सीरीज में आपका खैर मकदम है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट की लिंक दी गई है, वीडियो को आखिर तक देखिए और टेस्ट हल कीजिए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए इसलिए कहा जाता है कि वीडियो में जो भी सवाल दिए गए हैं उसी पर मुनहसिर जो डिस्क्रिप्शन में टेस्ट की लिंक दी है उसमें भी है। आइए देखते हैं उर्दू जबानदानी के आज के वीडियो में हम लफ्ज़ों के मजमुए के लिए एक लफ्ज़, ये हमारा ज़खीरे अल्फाज पर उबूर इस टॉपिक का सब टॉपिक है। इसके पहले भी हमने बहुत सारे इस तरह के टॉपिक्स देख चुके हैं। आज हम लफ्ज़ों के मजमुए के लिए एक लफ्ज़ इस उनवान के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। बहुत सारे अल्फाज ऐसे होते हैं जो पूरे पूरे फिक्रे या जुमले का मानी सिर्फ एक लफ्ज़ में बयान कर देते हैं। आइए हम देखते हैं कि वो किस तरह के होते हैं। यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अल्फाज का मजमुआ है यहाँ पर और उसके लिए एक लफ्ज़ यहाँ पर दिया गया है, अजान देने वाला। जो शख्स अजान देता है उसे क्या कहते हैं? मौज़िन। उसी तरह से इंसाफ करने वाला उसे कहेंगे मुनसिफ। कुरान जबानी याद करने वाला हाफिज। रास्ता बताने वाला रहबर। सफर करने वाला मुसाफिर। गुरूर करने वाला मगरूर। तस्वीर बनाने वाला मुसव्विर। उसी तरह से शेर कहने वाले को शायर कहते हैं। इमारत बनाने वाले को मैमार कहेंगे। पत्थर से मूर्ति बनाने वाले को संग तराश, संग यानी पत्थर, संग तराश कहेंगे। सैर व सियाहत करने वाला जो है उसे सयाह कहते हैं। चोरी करने वाला चोर। यहाँ मुख्तलिफ किस्म के परिंदे रखे जाते हैं उसे चिड़ियाघर कहते हैं। तो ये अल्फाज के मजमुए हैं, उनके लिए एक लफ्ज दिया गया है। जहाँ साइंसी तजुर्बे किए जाते हैं उसे तजुर्बा का कहते हैं। तो इस तरह के और भी बहुत सारे अल्फाज के मजमुए उनके लिए एक लफ्ज़ है, वो आप अपनी गुज़िश्ता जमात की किताबों में से तलाश कीजिए, सब आपकी किताबों में से ही दिया जाएगा स्कॉलरशिप में। चलिए देखते हैं इसके एग्जांपल्स। पहली मिसाल है जेल में दिए गए लफ्ज़ों के मजमुए के लिए सही लफ्ज़ पहचान कर उसके नंबर वाले दायरे को रंग दीजिए। अजान देने वाला, अभी हमने देखे अजान देने वाले को मौजिन कहते हैं। अगर आपको याद है तो आपको फौरन जवाब आएगा। आप इन चीज़ों को मेमोराइज करना भी सीखे और अल्फाज के जरिए भी बनाना सीखे। अजान से मौजिन याद रखना। मोहसिन, मोहसिन किसे कहेंगे? जो एहसान करता है। गवैया जो गाता है। आमिल जो है वो अमल करने वाला। तो यहाँ पर अजान देने वाले को मौजिन कहेंगे। हमारा दो नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं जेल में दिए गए लफ्ज़ों के मजमुए के लिए सही लफ्ज़ पहचान कर उसके नंबर वाले दायरे को रंग दीजिए। हफ्ते में एक बार शाये होने वाला अखबार। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है रोजनामा, हफ्त रोजा, पंद्रह रोजा, माहनामा। अब हफ्ते में एक बार शाये होने वाला इस लफ्ज़ से ही समझ में आ रहा है हफ्ते के कि ये हफ्त रोजा इसका सही जवाब है। लेकिन हमें याद रहना चाहिए कि रोजनामा किसे कहते हैं। रोजाना जो छपता है अखबार उसे कहेंगे डेली न्यूज़पेपर। हफ्त रोज़ा है जो हफ्ते में एक मरतबा शाये होता है। पंद्रह रोज़ा यानी जो पंद्रह दिन में एक मरतबा शाये होता है। और माहनामा यानी महीने में एक मरतबा। तो हमारा जो जवाब है वो हफ्ते में एक बार शाये होने वाला अखबार वो हफ्त रोज़ा है। तो दो नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर भी हमें खतकशीदा लफ्ज़ों के मजमुए के लिए मुनासिब लफ्ज़ पहचान कर उसके नंबर वाले दायरे को रंग दीजिए। हमने मुंबई में जहाज़ों के ठहरने की जगह देखी। आपको इस तरह का भी सवाल आ सकता है कि जुमला दिया गया हो और उसमें हमें मजमुआ है वो लफ्ज़ों का और उसके लिए एक लफ्ज़, जैसे कि यहाँ पर इस सवाल में है जहाज़ों के ठहरने की जगह। इसे हमें समझ में आना चाहिए, हमने गेस करना चाहिए कि जहाज़ों के ठहरने की जगह। यहाँ पर हवाई अड्डा नहीं होगा क्योंकि ये जहाज़ जो है वो पानी के जहाज़ों के लिए, हवाई जहाज़ के लिए हवाई जहाज़ का इस्तेमाल किया जाता है लफ्ज़ का। तो यहाँ पर जहाज़ों के ठहरने की जगह है, यहाँ पर जहाज़ का गलत है जवाब, ये नहीं होगा। हवाई अड्डा भी नहीं है, ये हवाई जहाज़ के बारे में नहीं कहा गया है। तजुर्बा का, यहाँ पर तजुर्बा नहीं होता है। बंदरगाह, बंदरगाह जो है वो सही जवाब है। ये जो जहाज़ों के ठहरने की जगह है, शिप जिसे कहेंगे बड़े बड़े, वो ठहरने की जगह को बंदरगाह कहते हैं। तो हमारा चार नंबर का ऑप्शन सही है। इसी तरह के और भी सवाल डिस्क्रिप्शन में टेस्ट की लिंक दी गई है उसमें है, आप उसे हल कीजिए। इंशाल्लाह आपको एग्जाम में उसकी हेल्प होगी। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अगले वीडियो में। शुक्रिया।